पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गौरव भटनागर प्रांत सहसचिव बजरंगल, मेरे साथ में अपने प्रांत के मंत्री अपने जो है जितेंद्र चौधरी जी, आप बिजनौर से यहाँ पहल वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं। बरावर में प्रभात गोयल जी, आप हमारा जो विधि प्रकोष्ठ है लीगल, उसके आप प्रांत के संयोजक हैं, इतना आते थे हम लोग। और आज ये जो प्रेस वार्ता है, बड़े गंभीर विषय पर ये प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा, कल आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों संज्ञान में सही आई होगी कि बजरंग दल विष्णु परिषद जो गौरक्षा करता है, गौरक्षा के लिए रात को 12-12 बजे और सुबह 3-3, 4-4 बजे अपनी चौकियां लगा करके अपने मुखपिरों को सक्रिय कर करके और गौरक्षा करता है और गौकशी को रोकता है। ऐसे विष्णु परिषद बजरंग दल जिसके 64 देशों में अपने संगठन का नेतृत्व है, संगठन उपस्थित है, और ऐसे संगठन पर पुलिस द्वारा एक गौकशी के आरोप लगाए गए हैं। आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा, जबकि हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल निर्दोष हैं। हमारे कर्ता की कोई CDR पुलिस कह रही है कि एक घंटा पहले कि CDR पुलिस के पास है, कोई CDR पुलिस के पास नहीं है। ये जो घटना है, ये 12 बजे गौकशी की घटना हुई है। मैं आपको थोड़ा सा उस विषय में उसे 2-3 घंटे का जो दायरा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रात को 9 बजे 28 जनवरी को रात को 9 बजे हमारा जो कार्यकर्ता मोनू बिश्नोई है वो अपने घर पर था। रात को 9 बजे कार्यकर्ता ने मोनू को फ़ोन किया और थाना कांट में एक कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए मोनू से आग्रह किया, तो मोनू बिश्नोई ने घर बुलाया। 9:21 पर जो उसकी CDR भी है, 9:21 पर वह कार्यकर्ता मोनू बिश्नोई घर गया। मोनू बिश्नोई को घर से लिया और ले करके थाने पहुँचा। थाने पहुँचने लगभग 10-15 मिनट का समय लगा होगा, 15 मिनट उसके बाद पुलिस वालों से बातचीत करने में और कार्यकर्ता को छुड़ाने में 15-20 मिनट लगे होंगे। उसके बाद उसको मोनू बिश्नोई को उसने घर छोड़ा है, उसमें भी 15-20 मिनट लगे होंगे। ये पूरे घटना में 1 घंटा लगभग लगा होगा। तो अगर हम ये 9:15 से 1 घंटा लाएंगे तो 10:15 बज जाते हैं। 10:15 बजे मोनू बिश्नोई अपने घर पर आकर सो गया। जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है मैं आपको सुनाऊंगा, उस रिकॉर्डिंग में 4-5 कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं, गौकशी रोकने चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ गौकशी हो रही है। कार्यकर्ता सो रहे हैं, सोते हुए कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग में सारा चीज पता लगेगी। तो लगभग 10:15 बजे मोनू बिश्नोई अपने घर गया और सो गया। 11:15 बजे ये सब कार्यकर्ता कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। मुखबिर जो जमशेद और साबुद्दीन है यह खबर देते हैं और कार्यकर्ता रात को 11:15 बजे ठंड में कोहरे में और चिंता ना करते हुए इसकी और गोली की चिंता ना करते हुए और अपनी जान की चिंता ना करते हुए वह गौकशी जहाँ हो रही है उस स्थान पर निकल जाते हैं। रास्ते में जो CO साहब कह रहे कि मुझे कॉल की गौकशी स्थान पर पहुँचने के बाद, रास्ते में मोनू बिश्नोई कार्यकर्ता मोनू बिश्नोई जो हमारे जिला प्रमुख है धर्म प्रसार के, वह CO काट को लोकेशन भेजते हैं अपनी लाइव, फोन करते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ गौकशी हो रही है। CO काट कहते हैं आप स्थान पर पहुंची, हम लोकेशन पे मैं जो है उसको जो थाना इंचार्ज सत्येंद्र शर्मा जी उन्हें पहुंचाते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता स्थान पर पहुंचते हैं, वहाँ सत्येंद्र शर्मा जो पुलिस के साथ वहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद फिर CO को वहाँ से फ़ोन किया जाता है कि यहाँ गौकशी है, वहाँ गाय कटी हाथों हाथ। वो लोग जब पहुंचे तो वहाँ से गौ तस्कर जो भाग गए। अब इसमें पुलिस की संदिग्धता है कि वो जो जमशेद और साबुद्दीन हैं, अब मैं आज जेल गया कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके आया, उसमें पता लगा जो साबुद्दीन जो साथ में पकड़ा गया, जो मुखबिरी हमारे कार्यकर्ता को दे रहा था, वो हिंदू नाम से मुखबिरी दे रहा था, अपना नाम हिंदू बता रहा था और वह उसने ही गाय काटी है, वही लोअर लेके आया है, उसने फोटो बनवाया है, सारे काम उसने की जिन लोअर का मोनू बिश्नोई ने लोअर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।